हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। ब्लॉग ये है कि आज मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए, तो मैंने कहा ये वाला ब्लॉग तो शेयर करना बनता है। मेरी बिंदी निकल गई। एक्चुअली अभी मैं ऊपर आ रही थी बोलने के लिए, तो बाबू ने मेरी बिंदी निकाल ली। उसको बिंदी निकाल करके फिर से लगाना बहुत पसंद है, लगा नहीं पाता ना मुझे, तो उसको अच्छा लगता है कि वो निकाल के लगाने के लिए ट्राई करता है। तो आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मैंने सोचा ब्लॉक की स्टार्टिंग जो है यहीं से कर देती हूँ। उसके बाद देखते हैं वहां पे कैसा होगा। अगर ओपन कैबिनेट हुआ तो फिर वैक्सीन लगवाते हुए भी दिख जाएंगे, और अगर छोटा छोटा कैबिनेट बनाए होंगे वैक्सीन लगाने के लिए देन नहीं शेयर कर पाऊंगी। और रजिस्ट्रेशन मैंने कल करवा लिया था, और स्लॉट भी मेरी कल ही बुक हो गई थी, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद में बिल्कुल भी स्लॉट मिल नहीं रहे हैं। वैक्सीनेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भी वैक्सीन लग ही नहीं पा रहा है। तो जिसको जहाँ मिले अभी ये हो रहा है कि वहीं फटाफट जा करके वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो थोड़ी सी दूरी पर मिला हुआ है हमारा स्लॉट। हमने बहुत ट्राई किया कि एकदम नजदीक में मिले। मैंने दीदी को बोला भी कि थोड़ा नजदीक हो तो अच्छा रहे, क्योंकि बच्चों को इतनी देर तक छोड़ के जाना और फिर वहां वैक्सीन लगवाना, फिर आते समय उतना टाइम चला जाएगा। तो दीदी ने बोला कि अभी जहां मिल रहा है ना वहीं लगवा लो, जल्दी मिल नहीं रहा है। और कल मिला था एक स्लॉट, तो वो बहुत ज्यादा दूर था, तो मैंने तो वो तो कैंसिल करवा दिया। और आज फिर मैंने ढूंढा एक ऐसा स्लॉट जो थोड़ा सा नजदीक है, मैंने कहा वो सही रहेगा वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मैं जा रही वैक्सीन लगवाने के लिए। अभी एक्चुअली आई हूँ मैं रूम में रेडी होने के लिए, तो रेडी होने के लिए आई तो फिर मुझे दीदी ने बताया कि कुछ ऐसा पहनना होगा जिसमें ये यहाँ पर मतलब दिखता रहे, जिससे कि वो उनको वैक्सीन लगाने में इजी हो, कुछ भी ऐसे उठाना ना पड़े, ऐसा ना करना पड़े। तो मेरे पास तो जितने भी सूट है ना सब यहाँ तक जो क्वार्टर स्लीव होती है ना वहां तक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। साड़ी पहन के जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि बैठना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है साड़ी में, और हम चाह रहे हैं व्हीकल से। तो देखती हूँ, या तो फिर कोई कुर्ती देखती हूँ अगर मेरे पास हो यहाँ तक के स्लीव की, तो वो पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर साड़ी ही पहन के जाऊंगी हो सकेगा तो, क्योंकि ब्लाउजेज हैं जो इतने स्लीव के हैं कपड़े, तो वो कुर्ती वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतने स्लीव के हैं। तो मैं रेडी हो जाती हूँ फिर। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली मेरे पास ना ऐसे हाफ स्लीव में कोई भी सूट नहीं था, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ मुझे फटाफट, क्योंकि जाना है। मेरा एक बच्चा सो गया है, बाबू सो गया है, बिट्टी को दीदी सुला रही है, और इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ और ढूंढूं या फिर देखूं। तो मैंने, क्योंकि रूम में आ चुकी थी फटाफट, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा ऐसे हाफ स्लीव में। अब वहां जाओ फिर फुल स्लीव के चक्कर में ना अटको ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि यही एक साड़ी निकाली मैंने, तो ये ब्लाउज से थोड़ा थोड़ा सा मैचिंग कर रहा था, तो मैंने कहा लाओ मैं यही पहन लेती हूँ। तो मैंने फटाफट इसी को पहन लिया। और आप लोगों को एक चीज बताऊं, इस ब्लाउज इस मतलब साड़ी का कुछ भी नहीं हुआ है अभी, फॉल भी को कुछ भी नहीं। तो क्योंकि एक इंजेक्शन लगाने ही जाना था, तो मैंने कहा लाओ मैं पहन लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फटाफट यही वाली साड़ी पहन ली, एंड अब मैं हो रही हूँ रेडी। रेडी होने में मुझे कुछ नहीं करना है, बस बाल बनाने हैं थोड़े से, और हो सकेगा तो थोड़ा सा काजल लगाऊंगी। उसके बाद मैं हो गई फाइनल पूरी रेडी, एंड हम निकल जाएंगे यहां से, क्योंकि जो हमारा स्लॉट है ना वो अप्रोक्स 20 मिनट की दूरी पे है। तो 20 मिनट तो जाते हुए भी लगेंगे, 20 मिनट आते हुए भी लगेंगे, प्लस वहां पे जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो वो तो लगेगा ही। इसीलिए हम लोग सोच रहे जल्दी जल्दी करें, नहीं तो बच्चों के सो के उठने का टाइम हो जाएगा। और आज बाबू ना बहुत ज्यादा नाटक कर रहा था, तो उसने कुछ खाया नहीं है, बिना खाए ही सो गया है। तो मैं सोच रही हूँ उसके उठने से पहले मैं आ जाऊं, ताकि मैं उसको कुछ खाना खिला सकूं। ये है मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि मास्क लगा लेंगे तो चलेगा काम, इतना है नहीं। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बाहर जाऊंगी तो वहां तो बहुत तेज हवा चलेगी, ठंडी लगेगी, तो सही हो जाएगा, फेस भी अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ, अब मैं मिलूंगी आपसे सीधा वैक्सीनेशन की जगह पे, और तब तक बाय बाय। इस मास्क में भी बहुत गर्मी लग रही है, सांस फूल गया। मेरी सवारी और ड्राइवर भी, पर्सनल ड्राइवर भी।
गाय लुट्टी फ्रेंड ना है लुट्टी दुश्मन आता है। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने वैक्सीनेशन के प्लेस पे। अभी मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया यहां पे थोड़ा सा, और ये मेरा नंबर है 125 नंबर लगा हुआ है, एंड यहां पे इतने सारे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। अभी तक जितने भी लोगों का सुना हुआ था वैक्सीन लगते हुए, मतलब घर में मेरे जितने लोग लगवाए हैं या फिर बाहर सुना, सबका यही पता चला कि जाओ और बस लगवा लो, वेटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। पर मैं जब गई तो मुझे वेटिंग के लिए यहाँ पे रुकना पड़ा। तो अभी ना जब हम लोग यहाँ पे बैठे तो ये भैया जो लगवा के आए हैं वैक्सीन, ये मैं आपको बता दूँ कम से कम 10 मिनट इसी तरीके से अपने हाथ को रब कर रहे थे, और वैक्सीनेशन का जो उनका लाभ था उसको जल्दी से लेना चाहते थे। तो ये जगह जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये बेसिकली एक मैरिज कम्युनिटी हॉल जो होता ना वो है, जिसको कोरोना आने के बाद इस तरीके से एक कोरोना सेंटर के रूप में चेंज कर दिया गया है। पहले बताते हैं कोविड वार्ड जैसा था ये, अभी जो है वैक्सीनेशन के लिए इस तरीके से बनाया गया है इसको। तो मैं और दीदी काफ़ी देर तक बैठ करके वेट करते रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर थे, इतने ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी। और अच्छा था कि जगह जगह पे फ़ैन लगा हुआ था तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, हम सभी आराम से बैठे हुए थे। और हम लोग इन्हीं भैया को देख करके हंस रहे थे कि ये कितनी जल्दी लाभ लेना चाहते हैं वैक्सीन का, अपनी पूरी बॉडी में पहुंचा देना चाहते हैं इसे। तो यही वो जगह है जहां से मैं अंदर जाऊंगी वैक्सीनेशन के लिए। मुझे नहीं पता कि आगे कैसा है क्या है, पता नहीं मैं आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँगी भी कि नहीं। तो ये जो यहाँ पे सबको लाइन में मतलब बैठा रहे हैं, विजिटिंग आवर का वो उनका नंबर दे रहे हैं, बेचारे हो गए थे गायब। और ये है पूरा कम्युनिटी हॉल जहाँ पे पहले होती थी शादियाँ, अभी बेचारी शादियाँ तो स्टॉपिट में हैं, उनका कोई काम हो नहीं रहा है तो कोरोना का ही काम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने और दीदी ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा अपना अच्छा सा टाइम यहाँ पे थोड़ा सा बिताया। और फिर उसके बाद हम वैक्सीन के लिए गए। मैं आप लोगों को बताऊं, जिस दिन मैं ये वैक्सीन लगवा के आई सेम डे पे मेरे बाबू की तबीयत ख़राब हुई, और मैं बताऊं हालत ख़राब हो गई थी। एक तो खुद को वैक्सीन लगा हुआ है, अपना तो खुद नहीं संभाला जाता क्योंकि ये हाथ बहुत दर्द करता है, और ऊपर से बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। तो वैक्सीन का तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब लगा और कब 3 दिन मेरा पास भी हो गया। और इसी समय मैं लगवा के आई और रात से बाबू की हालत एकदम ख़राब, वो बेचारा उसको इतना ज़्यादा लूज मोशन होने लगा कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद रोए जा रहा था, बार बार मुझे देख करके यही बोले मम्मा हगी कर लो, पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो खुद परेशान था ये सब चीज़ें देख करके कि उसको क्या हो गया है। और वो 3 दिन तो एकदम ख़राब दिन थे हमारे। और यहाँ पे कुछ लोग 44 एबव लोग भी आ गए थे, तो वो उनको यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि जो 18 से अप और 44 से डाउन में थे उन्हीं लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लग रही थी, जो 44 एज के ऊपर के लोग थे उनको यहाँ पे वैक्सीन नहीं लग रही थी। और उनका तो रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन मतलब तुरंत होता है, तो इसलिए यहाँ से भेज दे रहे थे कि हमको यहाँ पे मतलब बिलो एज वालों को लगा रहे थे, पता नहीं क्या रीज़न था। Thank you.
पीछे से आके मारेगा, तपली ना करेगा, पीछे से आके मारेगा। कितनी गंदी सीढ़ी है। तो यहाँ पे भी वेटिंग एरिया बना रखा था और यहाँ पे मैं आगे की चेयर पे बैठ गई। ये चार लोगों को वैक्सीन तो बहुत फटाफट लगा रहे थे, बहुत ही जल्दी जल्दी। यहाँ पे जब ऊपर आई तो यहाँ पे भी एक बार उन लोगों ने मतलब कि नाम पता और फ़ोन नंबर ये सब लिया, और मुझे लग रहा है उसी पे सर्टिफिकेट भेजने के लिए इन लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर लिया। तो यहाँ पे मैं गई, मेरा जो रजिस्ट्रेशन अगेन वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ और मेरे साथ एक बहुत बड़ा पोपट हो गया, मैं आपको भी दिखाऊंगी। मैंने दीदी को अच्छे से सेट किया कि जब मैं जाऊंगी वैक्सीन लगवाने तो आप अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा क्योंकि मुझे शेयर करना है। तो उन्होंने बोला, वो बेचारी एकदम पूरी तरीके से एकदम रेडी थी कि हाँ वो रिकॉर्डिंग करेंगी, लेकिन इतना ख़राब नसीब निकला कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी आप लोग देखना, मतलब दीदी बेचारी कैमरा लेकर के खड़ी है कि वो रिकॉर्ड करेंगी, लेकिन ये वहाँ से कोई शांति नहीं मिली, ये आके आगे ही खड़े हो गए और ये हट ही नहीं रहे थे। दीदी जिधर जाएं ये उधर चले आएँ, जिधर जाएं ये उधर चले आएँ, मतलब मुझे दिखने ही नहीं दिया। और मेरा वैक्सीन लग गया, मेरी फ़ोटो भी नहीं खींची। सबसे बड़ा अफसोस तो यही हुआ क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यार जब सब लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं आई हैव डन माई फर्स्ट डोज, वहाँ मैं नहीं कर पाई। तो हो गया, यहाँ पर वैक्सीन लग गया। हे गाइस, तो लग गया मेरा वैक्सीन, मतलब वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज था वो कंप्लीट हो गया। एंड मैं आपको बताऊं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वैक्सीनेशन हो गया। उन्होंने बट ऐसे फटाक से पकड़ा और लगा दिया। मैंने उनसे पूछा, मैम हो गया? बोले हाँ हो गया। मैंने बोला लग गया? बोले हाँ मैडम लग गया। मतलब बिल्कुल नहीं पता चला। प्रेगनेंसी में इतनी सारी इंजेक्शन लगवा चुके हैं ना कि अब इंजेक्शन का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ लगा कैसे लगा। तो फर्स्ट वैक्सीन लग गई एंड फर्स्ट वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आ गया, इमीडिएटली आ गया तुरंत वहीं पे। और अब नेक्स्ट जो डोज है वो लगेगी। तो चलो, मेरा वैक्सीनेशन तो हो गया, बहुत फटाफट हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत देर तक ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, थोड़ी देर ही वेट करना पड़ा और वेट करने के बाद हो गया। थोड़ी देर तक जो बैठाया, लोग बताते हैं कि वो भी नहीं बैठाते, जाओ फटाक से लगा देते हैं और आपका काम हो जाता है, बट हाँ मुझे थोड़ा देर वहां पे बैठना पड़ा, कोई नहीं, बट वैक्सीनेशन हो गया, ये अच्छा था। और घर पे आई तो बाबू और बिट्टी दोनों सो के उठ चुके थे, तो मैंने कहा अब उनको खिला पिला देती हूँ क्योंकि बाबू जो है ना वो आज बिना खाना खाए सो गया था। और तो अभी सो के उठा तो मम्मी ने उसको थोड़ी दूध दे दी थी, तो उसने दूध पी। मैं आई हूँ रूम में, थोड़ा सा हवा हवा लेके जाती हूँ थोड़ा सा आराम करके, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4, आपको दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है बट बज रहे हैं 4 अभी, घड़ी आगे हो गई है मेरी। ये सारा चक्कर मुझे जल्दी उठाने के लिए किया जाता है। तो अभी बज रहे हैं 4, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद नीचे जाऊंगी, चाय वाय बना के पीऊंगी। और मुझे बिल्कुल भी पेन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। और फीवर की 2 पिल्स मिली हुई हैं, जिसमें से एक मैं रात को खाना खाने के बाद खा लूंगी ताकि फीवर आए ही नहीं, और दूसरा जो है वो सेकेंड डे जो है आफ्टरनून में लंच के बाद खा लूंगी ताकि बिल्कुल भी फीवर ना आए। क्योंकि ठीक ऐसा ही दीदी ने किया और दीदी को बिल्कुल भी फीवर नहीं आया, मम्मी ने भी ऐसा ही किया, मम्मी को भी बिल्कुल फीवर नहीं आया, तो मैं भी ऐसा ही करूंगी ताकि मुझे भी बिल्कुल फीवर ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो, फिर ये वीडियो मैंने शेयर किया मेरे वैक्सीनेशन डे का, मतलब वैक्सीन के एक जो पूरी स्टोरी थी वो शेयर करने के लिए आप लोगों से ये वीडियो शेयर किया। आज बहुत ज्यादा गर्मी है और आप लोगों से बात करने के लिए मैंने फैन भी नहीं ऑन किया है, क्योंकि फैन ऑन करूंगी ना तो फिर घाय 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 की आवाज आएगी और बात नहीं कर पाऊंगी। तो थोड़ी देर में मैं फैन ऑन करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही बात करूंगी। और आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे जो भी न्यू अपडेट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आप तक जरूर पहुंच जाती है। एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपका एक बेस्ट फैमिली का बेस्ट मेंबर बनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।